चुनाव नहीं जीत सके भाई, इनके विधायक नहीं बिहार से चुनाव जीत पाते। क्या हुआ था उपचुनाव में, क्यों नहीं जीत गए? क्या हुआ था पिछले विधानसभा के चुनाव में, क्यों आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए? तो जब इनके विधायक यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते, ये खुद बिहार से चुनाव नहीं जीत सकते, अगर जीत सकते हैं तो भाई घोषणा करें और आए खुले मैदान पर, अपने आप साफ हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। करवाया उन्होंने, पूछेगा मंत्री जी से भाई बिहार में सर्वे करा लें तो सबसे वर्स्ट मुख्यमंत्री अगर कोई आएंगे तो उसमें पहले पायदान पर ज़रूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ये लोग बंद कमरों में अपने चार पांच समर्थकों से अगर सर्वे करा कर अपने आप को एक भ्रम में रखने का सोच रखें तो अलग बात है, पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अगल बगल के जितने राज्य हैं, कम से कम वहाँ के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से देश का भला तो नहीं हो सकता। और जिन मुख्यमंत्री को बिहार की जनता नकार चुकी हो उनको देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी, जिनकी स्वीकार्यता अपने ही प्रदेश में नहीं है। अगर अपने प्रदेश में है भाई तो हम खुली चुनौती देते हैं, हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं। क्यों भैया दूसरे राज्यों में जाकर सीट तलाशने का ये प्रयास कर रहे हैं? इसी डर से ना, क्योंकि बिहार से ये चुनाव नहीं जीत सकते भाई, इनके विधायक नहीं बिहार से चुनाव जीत पाते। क्या हुआ था उपचुनाव में, क्यों नहीं जीत गए? क्या हुआ था पिछले विधानसभा के चुनाव में, क्यों आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए? तो जब इनके विधायक यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते, ये खुद बिहार से चुनाव नहीं जीत सकते, अगर जीत सकते हैं तो भाई घोषणा करें और आए खुले मैदान पर, अपने आप साफ हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी।